पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। पिथौरागढ़ के रामेश्वर घाट में अंत्येष्टि के बाद स्नान के दौरान तोली गांव का 20 वर्षीय सागर बिष्ट की नदी में डूब जाने से मृत्यु हो गई। तोली गांव से एक बुजुर्ग महिला की शव यात्रा सोमवार को रामेश्वर पहुंची थी। घाट चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल सूर्य प्रकाश ने बताया, अंत्येष्टि हो जाने के बाद गांव के युवा नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान सागर असंतुलित होकर नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। KMVN की टीम ने युवक को नदी से बाहर निकाला। बताया गया है कि आज उसका जन्मदिन था और वह अग्निवीर की तैयारियों में जुटा हुआ था। धमोड़ के निकट हुई कार दुर्घटना के सभी घायल पिथौरागढ़ नगर के रहने वाले हैं। युवाओं के अस्पताल पहुंचते ही बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंचे लोगों ने युवाओं का हालचाल जाना। एंचोली पुलिस के मुताबिक दुर्घटना में भवानी दत्त पांडे निवासी खड़कोट, मनोज चौहान निवासी नगरपालिका, ललित बोरा निवासी खड़कोट, राम सिंह खड़ायत निवासी चिमसिया नौला, ललित बिष्ट निवासी खड़कोट, ललित सिंह बसेड़ा निवासी खड़कोट घायल हुए हैं। सभी घायलों की हालत सामान्य बताई गई है। दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार सभी लोग एक शव यात्रा में शामिल होने रामेश्वर जा रहे थे। मकर संक्रांति के अवसर पर रामेश्वर घाट में सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। घाट पर ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान शुरू हो गए थे। दोपहर तक श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी था। लोगों ने सरयू और रामगंगा के संगम पर स्नान के बाद रामेश्वर मंदिर में जल चढ़ाया। घाट पर बड़ी संख्या में लोगों ने यज्ञोपवीत भी कराए। रामेश्वर में मेले का आयोजन हुआ जो 3 दिनों तक चलेगा। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध, यहाँ आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे, पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत, मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में घुघुतिया पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा तटों पर स्नान कर पूजा अर्चना करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। बच्चों ने प्रातः नहा धोकर टीका लगाया और घुघुटी की माला को गले में डाल कौवे को आमंत्रित किया। अलबत्ता आज के दिन कौवे काफी कम संख्या में दिखाई दिए। ऐसा माना जाता है कि कौवे प्रात सरयू में स्नान करने के बाद ही आते हैं। पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह रहा। बच्चों ने सुबह काले कौवा आजा घुघुटी माला खाजा, काले कौवा आजा पूछ की रोटी मांगे खा का उद्घोष किया। तालेश्वर, सरयू, रामगंगा आदि जगहों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह बसेड़ा का निधन हो गया है। 84 वर्षीय कांग्रेस नेता के निधन से जिले के लोग शोक में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, विधायक मयूख मेहर, पूर्व सांसद महेंद्र सिंह माहरा, विधायक चंद्रा पंत, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी सहित तमाम लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। बड़ी संख्या में लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय रामेश्वर घाट में उनकी अंत्येष्टि की गई। उनके पुत्र ललित बसेड़ा और त्रिभुवन बसेड़ा ने मुखाग्नि दी। पिथौरागढ़ के थल थानाध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट ने चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन संख्या UK05CA2199 को रोककर चेक किया। वाहन चालक किशोर कुमार भट्ट निवासी कमतोली बिना कागजात रमन्ना के अवैध रूप से खनन सामग्री परिवहन करते पाया गया। वाहन चालक व वाहन के विरुद्ध धारा चोर 21 खान एवं खनन अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन को MV एक्ट में सीज किया। चालक को निजी मुचलके पर छोड़ा गया। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।